खुद की बारी आए। हमने आपके हस्बैंड को भी बुलाया था जो हमारे नहीं आए, जरा हम जानना चाहेंगे क्यों नहीं आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ लव। सो आज हम जा रहे हैं घूमने नहीं, बेसिकली रघू मामा एंड कोमल मामी की एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट करने, और वी आर इनवाइटेड फॉर दैट। तो लेट्स सी कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमी करने के लिए, है ना भाई? मैं बोलो स्टे ट्यून, शेयर करना। ओहो, ये सब सोच रहे हैं, आधी पार्टी आई नहीं है तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। अब मोना मैम ये बोलती है मेरे को कैमरे में शर्म आती है। आज आप जिस गॉर्जियस लड़की को देख रहे हैं ना, पहले दिखा दो, गौर से देखिए। हाँ, उसको ज्यादा नजर में डालना, ये आप हमारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई की। अब जीजू की बारे कोमल के लिए। कोमल इज वेरी स्वीट, वेरी केयरिंग एंड वेरी लविंग एंड लाइक रोहित। चलो जी, आप अपनी मामी के बारे में कुछ कहना चाहते? नो, आई लव माय मामी, बोलते ना। नहीं, आपने तो मेहंदी लगवाई थी शादी के टाइम। मैंने नहीं लगवाई, मेहंदी पे नाम नहीं लिखवाया था आपने? मेहंदी से कोमल लिखवाया था, हमें सब याद है कोमल बेटा। और ये पैकेट तो नया है हमारा, ये पैकेट देख रहा था हमारा। क्या धीरे सोचूंगा तब बता दूंगा मैं। ओके, तुम्हारा दिन आज तो मैं बोल रहा है ना भाई। चलो बोलो, क्या बोलूं, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? क्या कैसी फीलिंग आ रही है आपको? पता नहीं चला, ऐसा लग रहा है टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है। अभी तो शादी हुई थी, इतने 10-2 साल भी हो गए शादी के, चुप हो गए लोग। हाँ, आगे खुशी में टाइम, कैसे झेला? चलो बहू को कैसे झेला? बहू अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसे बहू सबको मिलनसार हसमुख ऐसे चाहिए बस। नहीं, दिल से बोल रहे हो, ये सामने बहू बैठी है इसलिए? नहीं नहीं, सामने दिखावा करना मुझे नहीं आता, जो रियल में है दिखावा करने से। अरे दिल्ली वालों की तो अभी शाम हुई है ना, तो लोगों घर भी जाना होगा, लोगों का ऑफिस है। तेरी छुट्टी है? ओके, तू भाई तेरी शादी को 2 साल हो गए, तो कुछ कहना चाहता है भाभी के बारे में, जितनी बुराई कर सकती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? शब्द नहीं है मेरे पास। ओ माय गॉड, ये पॉजिटिव वाला था, नेगेटिव वाला था, जो समझ रहे समझ रहे। चलो भाभी, आप क्या समझ रहे? हाँ, मेरा भी जवाब, मेरे पास भी शब्द नहीं है। नहीं, आप तो बोल चुके हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने तो मामी और आप बात कर रहे थे ना। चल तू बता, दो शब्द में उसने बता दिया कि मेरे पास शब्द नहीं है। बोल जल्दी रघु भाई, वो क्या बटर नान? दीदी ये बता रहे हैं आपके बारे में 2 साल से, बटर नान। आगे बटर नान, पनीर कुलचा क्या होगा, रोटी ऑर्डर करना है बाद में कर लेंगे। खेल खेल कर रहे हैं हम, तो क्या हम तेरी फीलिंग जानना चाहते हैं, जो तूने भाभी को आज तक एक्सप्रेस नहीं की। मम्मी
जाना चाहते हैं, आप अपने सफाई देना चाहते हैं कुछ? भाभी ये कह रही है कि आपने बोला था पहली बर्थडे पे दिलवाएंगे, मगर झूठ बोला है दिलवाएंगे। ठीक है, ये हरिश्चंद्र हमारे घर का। कोमल का नक्शा पकड़ते हुए और रोहित एकदम परफेक्ट हो गया। हम बोल देंगे हमें फेस मार। तुम पहले ही रास्ते में भोग तो नहीं लगा क्या? क्या पता तुम इसलिए ही लेट आयो? ब्रांच से गिर गया था। अच्छा ओके, अभी तो गिरा था। तो इसको फिर लाश ही दे रहे हो, इसको घुमा दो। चलो जी हम चले गिफ्ट की तरफ। मैं पहले ये हमारा फर्स्ट गिफ्ट जो हमें मॉर्निंग में मिला था विद वास वन फ्लावर। अबे ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट जो मेरे को फर्स्ट मॉर्निंग में मिला था। मुझे लगा क्या रहे हो, फर्स्ट एनिवर्सरी पे मिला था। फर्स्ट मॉर्निंग में मिला था, मैं मॉर्निंग में मिला था फर्स्ट गिफ्ट। ओके सेकंड, मेरा ये सेकंड गिफ्ट जो मैंने अभी पहना हुआ है, दोपहर में मिला था जो मेरा आफ्टरनून में मिला था। चलो भाई इवनिंग में ये मिला है क्या? ये ओके आपको रोज ये पति देव ने थोड़ी दिया है, तो कोई बात नहीं, ये पत्नी ने दिया। मामी ने कुछ गिफ्ट नहीं दिया? मामी जी ने बस, मामी ने, मैं बताती ना मैंने इसीलिए तो पूछा, मामी ने इसलिए गिफ्ट नहीं दिया होगा, नाराज हो गए क्योंकि जो मामी आपसे डिमांड कर रही है वो पूरा नहीं कर रही ना, दैट्स व्हाई। मेरी मामी हाँ वही तो कह रही हूँ मैं, मामी को गिफ्ट मिलेगा जब आपके अब रिटर्न गिफ्ट मिले। ओके जी, मामी जी मामी मम्मी जी ने मेरे को गिफ्ट में प्रॉमिस किया, मम्मी जी मेरा गिफ्ट मेरे को दे देंगी। ओके जो हम बात कर रहे थे वहाँ, जो हम वहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है भैया, जैसे तुम इसे जिस पोजीशन में लेके खड़े हो ना, कभी तुम छोड़ ही मत देना बतलाने के चक्कर में, वहाँ पे खड़े हो जाओ। ये मेरा थर्ड गिफ्ट, ये पर पति ने नहीं दिया, ये पत्नी ने दिया, हस्बैंड ने नहीं दिया, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया। इस पे मैंने लिखा क्या वो तो देख लो, लावण्य बड़े प्यार से, लावण्य विद लगू मामा, तो बोलती ना लगू मामा। क्या कर रही हो, ये ओके पहले पैंट जल्दी से अभी ऑफिस नहीं खुला, मैं नहीं चला जाएगी। मैं इसलिए लाई, चलो मैं बता देती हूँ, और मैं ये कप इसलिए लाई क्योंकि ये
रघु से पूछना था। रघु भाई, भाभी जब से मेरे पीछे पड़ी है बोल रही है मेरे बारे में कुछ पूछो कि दो साल में मतलब चल बताओ ये ऐसी रिएक्शन देता तुम्हारी बारी में मैं क्या करूं। देखो खुद ही बोल रही है, मेरे को बोल रही है। चलो अब तुम्हारी बारी है, क्वेश्चन खुद की बारी है। हमने आपके हस्बैंड को भी बुलाया था जो हमारे नहीं आए, जरा हम जानना चाहेंगे क्यों नहीं आए। स्पीचलेस थैंक यू इतने बुरे मन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।